हेलो व्यूअर्स, क्या ये वही अर्शी खान है जो नज़र आई थी बिग बॉस में? उसमें तो अर्शी खान काफ़ी अलग थी, अब अर्शी खान हो गई है काफ़ी अलग। आइए मिलते हैं अर्शी खान से उनके फुल्ली ट्रांसफॉर्म्ड अवतार में। अर्शी खान नज़र आई दीक्षा नागपाल के बर्थडे बैश पर। आइए मिलते हैं अर्शी खान से जो पहुंची उनके बेस्ट फ्रेंड ईशान के साथ। दीपशिखा का बर्थडे, क्या कहना चाहेंगे आप दीपशिखा के बारे में और ऐसी क्या वो बातें हैं जो दीपशिखा को बाकी दुनिया से अलग करती हैं? दीपशिखा को मैं 30 साल से जानती हूँ एंड वो जैसी दिखती थी मुझे जब मैं उनसे करके अगर फोकस करते मुझे वो काफ़ी खूबसूरत काफ़ी बोल्ड दिखती थी। मैं सोचती थी कि बहुत अलग अलग टाइप की लेडी होगी, लेकिन जब वो एक इवेंट में मिले तो मुझे पता चला कि ये काफ़ी सादगी से भरी हुई जो घर पर रहने वाली एक जो हमारे माँ की तरह बहनों की तरह बड़ी बहनों की तरह शीज लाइक दैट खाना पकाना खिलाना सर्व करना I think she is original diva and बहुत टाइम से उन लोगों ने उनको देखा है, सराहा है उनके काम को एंड आई थिंक शी इज लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस एंड स्टनिंग नाउ आल्सो एंड वी बोथ रियली वांट टू विश हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे टुडे। मेरा क्रश थी वो है, आई थिंक काफी होगा किसी डिजाइनर को खाना है लुकिंग सुपर। नहीं नहीं, मैंने खुद ही गई और मुझे ये पसंद आया। बूम पे कोई डिजाइनर नहीं, मैं डिजाइनर्स का कुछ वो नहीं करती, मुझे जो पसंद होता है मैं लेकर पहन लेती हूँ, जो मेरी पर्सनैलिटी में सूट होगा चाहे वो पजामा कुर्ता हो चाहे साड़ी हो व्हाटएवर। आई थिंक दैट मैटर्स मोर, आई थिंक फैशन इज व्हाट लाइक जहाँ कंफर्टेबल हो। व्हाट हैपनिंग ऑन प्रोफेशनल फ्रंट, व्हाट हैपनिंग ऑन प्रोफेशनल फ्रंट आगे, एनीथिंग डाउन द पाइप, एनी प्रोजेक्ट, एनी म्यूजिक? बहुत बहुत चीज़ें हैं जो आने वाली है और इंशाल्लाह ऐसे साल आएंगी तो बोलने की जरूरत है। थोड़ा सा अगर हिंट भी दे दें तो थोड़ा सा मूवी से रिलीज होने वाला। थैंक यू सो मच गाइस, जाओ मैं अंदर। नहीं नहीं, यहां पे यू गुड सो गुड टू सी यू आरसी जी, काफ़ी टाइम बाद आपसे मुलाकात हो रही है और काफ़ी खूबसूरत हो चुकी है पहले से और ज़्यादा। तो क्या है इसका राज पहले उसको बता। राज नहीं पता बाखुदा, मैं तो घर में वही दाल चावल चिकन रोटी खाती हूँ, मैं कोई डाइट नहीं करती कुछ नहीं करती, जो सादा खाना जो एक आम इंसान खाता है वही खाती हूँ कुछ नहीं। तो ये बिग बॉस के बाद कुछ ज़्यादा उभर के आने वाला राज?
बिग बॉस के बाद पता नहीं यार, आई डोंट नो। ये आपके पीछे बिग बॉस की आवाज का हाथ है, कह सकते हैं मेरे पीछे सलमान खान का हाथ। क्या बात। अच्छा अर्षी जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जो भी आप कंटेंट बनाती हैं, आप इंस्टा पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं आप, तो उसमें काफ़ी बैड कमेंट्स भी आते हैं, काफ़ी गुड कमेंट्स भी आते हैं, बट अगर जो बैड कमेंट्स आते हैं उस चीज़ को आप कैसे देखती हो? मैं कमेंट्स नहीं देखती, मतलब बिल्कुल नहीं, क्योंकि कमेंट से कोई मोटिवेट भी होता है। नहीं, मैं खुद से मोटिवेट हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं मोटिवेशन की, क्योंकि वो मोटिवेशन जब हट गया तो आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो इसलिए खुद से मोटिवेशन लो और खुद ही में रहो, ये ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आपको सामने वाला कब डीमोटिवेट कर देगा वक्त का पता नहीं है ना। साथी और आरसी जी की बात हो तो और बिग बॉस की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस बार का बिग बॉस आपने कितना देखा, और जो जीता है सना मकबूल वो कितने डिजर्व? सी सना जीती, इट्स ओके, मुझे अच्छा लगा, वाकई में अच्छा लगा, लेकिन मैं चाहती थी रणवीर शौर्य जीते या फिर कटारिया जीते, मुझे ऐसा लगता था कि इन दोनों में से कोई एक विनर होना चाहिए था। इवन आई लाइक शिवानी ऑल्सो, शिवानी ने भी अच्छा खेला है, बट वो विनर उस पर नहीं थी, बट कटारिया एंड रणवीर शौर्य, इवन आई लाइक लास्ट विनर ऑल्सो एल्विश पे अच्छा ही खेला था। एनीथिंग इन पाइपलाइन? उसका टाइमिंग अच्छा लगा था। एनीथिंग इन पाइपलाइन फ्रॉम योर साइड दिस टाइम? लोग देखना चाहते हैं आपको, हम ऑडियंस की तरफ से। मैं कहाँ पीछे जा रही हूँ, मैं कहाँ हूँ, कभी कभी इंसान को कुछ काम रहता है उसकी वजह से उसको हटना पड़ता है। तो इन कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आप कहाँ थी? आएगा इसी साल, आएगा इसी साल, महीने कितने बच्चे इस साल के अंदर, सिर्फ 5 महीना तो बच्चा है। कहाँ गायब थी आप? इट्स पर्सनल यार। शादी वगैरह? शादी तो यार आवाम के सामने होगी, छुप के थोड़ी शादी करूँगी मैं। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ 1 मिलियन सब्सक्राइबर, 100K। सो गाइस, टेक वन फिल्मी के 100K सब्सक्राइबर पे थे, सारी शुभकामनाएं और कॉन्ग्रेचुलेशन।